आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। साधारणतः लोग मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाचक नहीं हैं। उन दोनों में काफ़ी अंतर है। मंत्रिपरिषद को प्रोफेसर आंग के अनुसार वह एक वृहत संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। लेकिन मंत्रिमंडल, जैसा कि रेम्सो मेयर कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी। इस प्रकार मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद रूपी वृत्त चक्र का आंतरिक चक्र कहा जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में काफ़ी अंतर है, और ये इन दोनों में अंतर को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही, जैसे प्रोफेसर आंग और प्रोफेसर रेम्सो मेयर। अब हम देखते हैं कि इनमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में किन किन बातों को लेकर भेद है या अंतर है। पहला है आकार संबंधी भेद। मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से लेकर 90 तक के सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 या 22 के बीच ही रहती है। पद संबंधी अंतर, दोनों का एक महत्वपूर्ण अंतर है। पद संबंधी, समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जिनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडलीय स्तर के वह मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते, वरन मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाना होता है। अन्य मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय उप सचिव, जूनियर लॉर्ड्स, संसदीय निजी सचिव आदि। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्यों को ही हम मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के सदस्यों का पद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। वेतन संबंधी अंतर, कैबिनेट सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है। कार्य और शक्ति के संबंध में अंतर, मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक अंतर उनके कार्य और शक्तियों को लेकर है। इस दृष्टिकोण में मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है, और उसके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता। इन सब भेदों के बावजूद भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं।
प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल मंत्रिमंडल वरन समस्त मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जाता है और लोकसदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। हमने चर्चा करी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो मूलभूत अंतर है उसके बारे में। अब हम चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति या मंत्रिमंडल के क्या कार्य हैं। जैसा कि हम ब्रिटेन में देखते हैं कि जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय से ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता ब्रिटेन में, और तब यह मंत्रिमंडलीय पद्धति का एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री ही करता है। जब संसद का अधिवेशन हो रहा हो तब मंत्रिमंडल की सप्ताह में 2 बार बैठकें होती हैं, और जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब सप्ताह में 1 बार बैठक होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भी आवश्यकता अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकें बुला सकता है। संसदीय कार्यक्रम पर राष्ट्रनीति और प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित अन्य विषयों के संबंध में इन बैठकों में विचार किया जाता है। अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए मंत्रिमंडल के द्वारा अनेक स्थायी और अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। मंत्रिमंडल की सहायता और वास्तविक प्रशासन के संचालन के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय होता है। मंत्रिमंडल के जो कार्य और शक्ति हैं वो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्ति जो कम होती गई, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ वैसे वैसे बढ़ती गई। आज जैसा कि सर जॉन मैरियट कहते हैं, ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। ग्लेस्टन के अनुसार मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। हाल्डेन समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल को संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार बताया गया। रेमसे, म्यूर, लावेल, एमरी, बेजहार्ट आदि ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने भी शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसे ही गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया। इसमें संदेह नहीं है कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शासन के अन्य किसी अंग को नहीं। शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य बहुमुखी है। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उनके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक संबंधों में या वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। जैसा कि लेखक रेमसे मेयर के शब्दों में, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और ये निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामाजिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा ही
निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट उन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है। इस प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन में विभिन्न विभागों में जो कार्यों की आलोचना की जाती है उन्हीं को दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को प्रशासन के दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी करना होता है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य, प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में सामंजस्य आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में आकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो और उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडल समिति की स्थापना की गई, यानी कार्यपालिका संबंधी जो कार्य है उसमें मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है, राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण रहता है, मंत्रिमंडल जो है वो समन्वयकारी कार्य करता है। व्यवस्थापन संबंधी कार्य, वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छेद संबंध रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारण करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन से उन्हें पास करवाता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल ही समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। संसद का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को विघटित किया जाता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। प्रतिवर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों सहपरिषद आदेश निकलते हैं उनके निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति निहित रहती है। मंत्रिमंडल के इन विधायी कार्यों की व्यापकता के कारण एक लेखक ने इसे लघु विधायिका की संज्ञा दी है। आंग और जिंग तो लिखते हैं कि व्यवस्थापिका में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशोक्ति से कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं वरन मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से होता है। यानी कि जो कानून बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा होता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। वित्तीय कार्य, राष्ट्रीय आय और व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृति कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के
बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोकसदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। इसीलिए मुनोरो का कहना है कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को जो शक्ति प्राप्त है, और इस दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिकन राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर करता है। अन्य कार्य, मंत्रिमंडल अनेक प्रकार के कार्य करता है, जैसे पहला राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषकर गृह मंत्री के परामर्श पर किया जाता है। द्वितीय राजा द्वारा उपाधियों का विवरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। तृतीय ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर की जाती है। चौथा महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल के सदस्यों के परामर्श अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वास्तव में मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक हैं, और उन सभी कार्यों को करना जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मंत्रिमंडल की ओर अधिक शक्तियां तथा कार्य प्रदान करने की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।